नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गर्मा गर्म बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हर घर में बन जाता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए देखते हैं बेसन का हलवा मैंने किस प्रकार से तैयार किया है। बेसन का हलवा बनाने के लिए बेसन ले लिया है, ये काजू बादाम पिस्ता ले लिए हैं काट कर, ये दूध ले लिया है एक गिलास, निखड़ू दूध है भैंस का, चीनी ले ली है, ये अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं कम या ज़्यादा, और थोड़ी सी सूजी ले ली है, और ये घी ले लिया है देसी, ये भैंस का घी है, भैंस के घी में ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है हलवा। घी को हमने गर्म करने के लिए रख लिया कढ़ाई में। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बेसन डाल लूँगी। बेसन को हम थोड़ी धीमी आंच में पका लेंगे, जिससे ये जले ना एकदम से। और 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे। सूजी को भी बेसन के साथ अच्छी तरह मिलाकर पका लेंगे। बेसन का हलवा सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और ये हेल्दी भी होता है। थोड़ा सा जुकाम जुकुम हो, बच्चों को सर्दी लग जाए, तो बेसन का हलवा बनाकर खिला दे गरम गरम, इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है सर्दियों में। बेसन हमारा पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। ऐसे ही दानेदार हो जाता है हलवा। सारा एक साथ ना डाले दूध, धीरे धीरे करके दूध ऐड करें इसमें। दूध ऑप्शनल है, अगर आपका मन करे तो दूध डालो वरना मत डालो। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने हलवे में 1 गिलास पानी और 1 गिलास दूध ऐड कर लिया है, अब इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। गैस हमने मंदी रखनी है, ज़्यादा तेज नहीं रखेंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें काजू बादाम पिस्ता डाल देंगे। हलवा बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़े काजू बादाम पिस्ता डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म बेसन का हलवा तैयार है। आप भी खा लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।